अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ से ठीक ठाक से हूँ। आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी है बैंगलोर में, और यहाँ पर जो सामने साइड बन रहा है ना, वहाँ का बहुत ही ज़्यादा शोर था, डिस्टर्बेंस था। तो मैं सोची कि मेरे यूट्यूब फैमिली को डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए मैं रात को वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए बेटा, यहाँ पर देखो, सलाम करो। सलाम अलैकुम। बेटे को छुट्टियां भी चल रही है, क्योंकि बैंगलोर में छुट्टी है स्कूल्स को और कॉलेजेस को, क्योंकि बारिश ज़्यादा है इधर, तो इसलिए। तो देखिए यहाँ पर सारा घर क्लीन हो चुका है, तो चलिए वीडियो को मैं पूरा दिखाऊंगी आपको। घर सब क्लीन हो चुका है, बेटा यहाँ पर खेल रहा है। तो बहुत ज़्यादा बारिश थी आज तक भी, अभी 5 बजे से बारिश रुका हुआ है यहाँ पर बैंगलोर में। तो मैंने कपड़े जो वॉश की थी, ये वाले कपड़े मेरे 3 दिन से सूखे हैं, अभी भी ठंडे हैं, तो इसीलिए मैंने इसको बास्केट में रख चुकी हूँ, क्योंकि धूप आएगी तो ये तो फैन में रात में मैं एक मैट डाल के इसको डाल दूंगी उसके ऊपर, नहीं तो वरना कच्चे कपड़े रखने से स्मेल आ जाती है ना, इसीलिए। देखो यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है साइड, तो साइड में देखिए रात में भी, यहाँ पर इतनी रात हो गई भी देखिए यहाँ पर काम चल रहा है। तो आपको आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि अभी ट्रैक्टर का आवाज़ सब रुका है। देखिए यहाँ पर बारिश के वजह से सब भीगा भीगा ही है, सब लोग अभी बारिश खड़ा है करके वॉकिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस में मैं जो बोलती हूँ वो आपको बोर नहीं होगा उससे। देखिए वहाँ पर फाउंटेन भी ऑन कर चुके हैं, तो देखिए इसी तरह का शोर के वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ। देखिए बेटा यहाँ पर हंस रहा है। तो अभी टाइम हो गया है मेरे हब्बी आने का, 6:30 हो चुके हैं। तो मैं खाना बना रही हूँ किचन में, तो सोची कि चलिए खाना बनाते बनाते मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैंने चावल को धो के रख दी थी, तो ऑलमोस्ट चावल गल चुके हैं, अभी इसको कर देंगे स्ट्रेन। तो देखिए यहाँ पर मैं खाना भी स्ट्रेन कर ली थी, अभी इसको रख देते हैं दम पे स्लो फ्लेम में। तो किचन भी देखिए यहाँ पर पूरा नीट एंड क्लीन ही रहता है मेरा। तो अभी यहाँ पर मैं कपड़े वॉश करने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है ना, तो कपड़े डालने से सूख भी जाएंगे थोड़ा बहुत। इसमें डाल देती हूँ डिटर्जेंट पाउडर, मैं यूज़ करती हूँ रिन वाला पाउडर, सॉरी सर्फ एक्सेल यूज़ करती हूँ मैं यहाँ पर वॉशिंग मशीन के लिए, और रिन लिक्विड यूज़ करती हूँ मैं, अभी सर्फ इसमें डाल चुकी हूँ। खुशबू के लिए मैं यूज़ करती हूँ कंफर्ट वाला लिक्विड, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी कपड़ों में। तो देखिए मैं पिंक कलर वाला कंफर्ट यूज़ करती हूँ। मशीन तो ऑटोमेटिक ही है, इसको सेट कर देंगे यहाँ पर 14 पे, तो फिर स्पिन मैंने इसको प्रेस कर दूँगी 800 पर, तो मशीन को अभी ऑन कर देंगे। तो मशीन हो चुकी है ऑन, तो सबका मैं एक ही साथ कर लेती हूँ। यहाँ पर खाना भी दम हो चुका है, स्टोव को मैंने ऑफ कर दी हूँ, मिल्क सर गया था तो मैंने मिल्क को भी मंगा ली हूँ ऑर्डर करके। तो यहाँ पर मैंने गुड लाइफ का मिल्क यूज़ करती हूँ घर में, क्योंकि हस्बैंड अकेले ही मिल्क यूज़ करते हैं ना, तो ये ख़राब नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने गुड लाइफ को प्रेफर करती हूँ। तो एक बॉक्स सारा मंगाने से इसमें डिस्काउंट मिलेगा, तो इसीलिए मैंने बॉक्स मंगा के रख लेती हूँ। तो बेटा देखिए यहाँ पर कुछ बोलना चाह रहा है आप लोगों के साथ। गाइस मैं ये सब कुके यहाँ पे लगे। देखो गाइस, ये बेड के ऊपर खेल रहा था ना, तो इसको चोट लग गई है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। मैं खेलने के टाइम गिर गया था, तो मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है। मैं इसको बोलती हूँ कि बेड के ऊपर नहीं जम करना है, स्प्रिंग वाला बेड है, तो इसको बहुत खुशी होती है जम करने में। ये जम किया और उसको चोट लग गई। हर छोटी छोटी बात आप लोगों से शेयर करने में इसको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, देखिए ये आप लोगों को बता के खुश हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं कढ़ाई को ले ली हूँ, स्टोव को कर दी हूँ ऑन। तो अभी इसमें डालेंगे हम लोग 1 चम्मच जितना ऑयल, ऑयल थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि मैं बना रही हूँ दही की कढ़ी, राजस्थान स्पेशल रेसिपी है ये, ऑयल को गर्म होने के लिए देते हैं। तो अभी यहाँ पर हो चुका है ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड सीड्स 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून जीरे को ऐड कर रही हूँ। तो अभी इन दोनों चीजों को रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हींग, तो हींग भी अच्छे से फ्राई हो रहा है।
तो अभी इसमें जाएगा मसाले में ऑनियन, देखो ऑनियन, करी पत्ता और हरे मिर्च। अब इसमें सारे मसालों को ऐड कर देंगे, ऑनियन को, करी पत्ते को, हरे मिर्च को, इन सारे चीजों को मैंने ऐड कर दी हूँ कढ़ाई के अंदर। हरे मिर्च को, ये तीखी हरे मिर्च नहीं है, ये फीकी वाली हरे मिर्च है, हरे मिर्च के बीज को मैंने सेपरेट कर चुकी हूँ। अभी इसको कर देंगे फ्राई। तो थोड़ा सा ऑनियन को गलने के लिए छोड़ देंगे, इसमें ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, और इसमें जाएगा धनिया पाउडर थोड़ा सा। अभी सारे मसाले ऐड कर चुकी हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जाएगा इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है कि नमक, स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। अभी प्याज को गलने के लिए छोड़ेंगे 5 से 10 मिनट। अभी इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया को, हरा धनिया भी ऐड कर चुकी हूँ। अभी इसको कर देंगे एक मिक्स। प्याज अच्छे से गल चुकी है फ्रेंड्स। इस तरह का बना के खाना, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी हुई थी, तो मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई की थी, वो बहुत अच्छे से बनी थी, तो इसीलिए सोची कि मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक बोल जितना दही। ये पराठे के साथ सभी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अभी इसको कर देंगे एक मिक्स। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छे से आया है। देखिए यहाँ पर करी बन के हो चुकी है रेडी। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करना ये वाली रेसिपी, और जो भी लोग ट्राई करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अभी फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो अभी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, वो क्या लेके आए हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखो अभी अभी लेके आए हैं ब्रेड केक, बन, ब्रेड। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे बंस लेके आ चुके हैं, और बिस्किट भी लेके आए हैं। जब भी हबी मेरे घर आते ना तो कुछ ना कुछ लेके आते, और बेटे को लेके आए बनाना, क्योंकि बारिश की वजह से मैं तो बाहर नहीं जा रही हूँ, तो इसीलिए मेरे हबी लेके आ चुके हैं। करी हो चुका था रेडी, तो यहाँ पर मैं ली हूँ सुरमे मच्छी। हस्बैंड को सुरमे मच्छी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑयल हो चुका है गरम। मैंने मच्छी को वॉश कर ली हूँ, अभी ऐड कर दूंगी ऑयल के अंदर। तो ये बहुत ही खारी रहती है, सॉल्टी सॉल्टी, तो इसीलिए इसको वॉश करके डाल रही हूँ मैं ऑयल के अंदर। तो अभी इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी मैं इसके ऊपर प्लेट को क्लोज कर दूंगी, वरना पूरा स्टोव गंदा हो जाएगा। तो मैं इसको स्लो फ्लेम में फ्राई होने के लिए रख चुकी हूँ प्लेट ढक। देखिए यहाँ पर मच्छी फ्राई हो चुकी है, अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए मेरे हस्बैंड को इसकी खुशबू आ चुकी है, बोल रहे हैं सुरमी मच्छी फ्राई हो रही है। मम्मी ये खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। देखो बेटे को भी स्मेल आ चुकी है। तो अभी ऑयल को रख देंगे साइड में। देखिए यहाँ पर मच्छी फ्राई हो चुकी है। तो अभी प्लेट में मैंने राइस को ले लिया है, यहाँ पर मैंने मच्छी को रखी हूँ। अभी मैं सर्व कर दूंगी करी के साथ। देखिए करी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, कितनी टेस्टी लग रही है देखिए यहाँ पर। तो चलिए मेरे हबी को सर्व कर देंगे। कपड़े डाल चुकी थी ना मैं वॉशिंग मशीन में, खाना खाने तक कपड़े भी वॉश होके आ चुके हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक है ना, तो टेंशन नहीं है। तो मेरे हबी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं कपड़े डालने में। देखिए यहाँ पर सारे कपड़े हबी डाल रहे हैं ड्राई होने के लिए। तो अभी वहाँ पर हबी वो काम करने तक मैं इनको यहाँ पर चाय दे देती हूँ। मिल्क को मैंने डाल दी हूँ बोल में। तो यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ चाय के लिए, तो इसी में मैं ऐड कर दूंगी चाय पत्ती।
तो चाय यहाँ पर रेडी होने तक मैं भी कर लूँगी डिनर। यहाँ पर मैंने राइस को ले ली हूँ, राइस के साथ मैं खा रही हूँ घी, क्योंकि मैं दही नहीं खाती हूँ तो इसीलिए मैं घी और खाना खाऊँगी। मेरे खाने का मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, सालन नहीं होगा तभी मैं घी में खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं घी और ओम पूरी और खाना खाऊंगी। आइए मेरे यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी खाना खाने के लिए चलिए बिस्मिल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी की चाय बनके हो चुकी है रेडी, चलिए अभी इनको सर्व कर देंगे। सर्व करने के बाद देखिए यहाँ पर डिनर होने के बाद किचन सभी इस तरह का है। कभी भी बर्तन भी वॉश करने के हैं तो पूरे बर्तन वॉश करने के बाद में मैं आप लोगों को मेरी पूरी किचन बताऊंगी। किचन सब क्लीन हो चुकी है डिनर करने के बाद, इस तरह का वॉश कर देती हूँ सोने के टाइम, तो सभी इस तरह का क्लीन करके सोती हूँ। बर्तन वगैरह सब कुछ यहाँ पर वॉश करके रख चुकी हूँ, यहाँ पर बेसन भी मैंने वॉश कर दी हूँ। चलिए अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।